नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। अशोक गहलोत को लेकर जो समाज खास करके कांग्रेस को डर था वो इस वक्त सामने आ रहा। उनके एक बयान से पूरे कांग्रेस खेमे में भूचाल मच गया, कांग्रेस खेमे में डर सा लगने लगा और सचिन पायलट को इशारों में ज़बरदस्त तरीके से अशोक गहलोत ने निशाना साधा। क्यों साधा दर्शकों, हम आपको बताते हैं। आज कांग्रेस को एक नया बॉस मिल जाएगा, कि कांग्रेस का नया बॉस कौन होगा, अध्यक्ष कौन होगा, आज आपको मिल जाएगा। SPN 9 न्यूज़ के माध्यम से हम आपको हर रिपोर्ट्स बताते भी रहेंगे। ये इसी बीच में तमाम नेताओं जब वोट डाल रहे थे अध्यक्ष पद के लिए, सब अपनी अपनी बातें रख रहे थे। कोई कह रहा था अनुभव काम बोलता है, कोई कह रहा था तजुर्बा बोलता है, तो कोई कह रहा था कि युवाओं में जोश जरूरी है लेकिन वो उतना इम्पैक्ट नहीं डालते जितना तजुर्बेकार नेता डालते हैं। लिहाजा मीडिया जो है वो अशोक गहलोत से भी पूछ लिया कि भाई ये बताइए कि दरअसल आप किसको वोट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देखिए मल्लिकार्जुन जो है वो तजुर्बेकार रहे हैं, काफ़ी जो है वक्त दिया है उन्होंने कांग्रेस को, लिहाजा उनकी समर्थन ज़्यादा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि देखिए युवाओं की तरफ ज़्यादा रुख करना बेहतर नहीं होगा। एक तरफ युवाओं की मांग भी हो रही है और एक तरफ जो है उनको दरकिनार कर रहे हैं। इससे ये समझ में आया और ये मैसेज निकाला गया कि दरअसल अशोक गहलोत अपना जो है पूरा रास्ता जो है साफ कर रहे हैं, यानी कि सीधे सीधे वो सचिन पायलट पर निशाना साध रहे हैं और बता रहे हैं कि देखिए सचिन पायलट अभी उस काबिल नहीं हुए हैं जिस काबिल हमारा सोच रहे हैं। यही वजह है कि अशोक गहलोत ने इशारों में ज़बरदस्त तरीके से हमला किया और बता दिया है कि राजस्थान के लिए कौन अहम है और कांग्रेस हाईकमान को जो भी अध्यक्ष होगा और आगे चल के हाईकमान को जो जिम्मेदारियां जो फैसला लेने हैं उन्हें सोच समझ कर लेना होगा, ना तो आने वाले वक्त में वही तस्वीरें देखने को मिलेगी जो पिछले दो महीने पहले या एक महीने पहले देखने को मिला था, हाई वोल्टेज ड्रामा राजस्थान में। आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं, तमाम पार्टियां तैयारी भी कर रही हैं, लेकिन इस बीच में कांग्रेस की तैयारी ये है कि आखिर उन दोनों के बीचों की जो नाराजगियां हैं उसको आखिर दुरुस्त कैसे करें। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहे SPN 9 न्यूज़। नमस्कार।